हर हर गंगे नमामि गंगे। आज रात का आपको ये हर की पैड़ी का हम दृश्य दिखा रहे हैं। आप ठंड देख सकते हैं, ओस पड़नी जो है हर की पैड़ी पर शुरू हो गई है। और ये देखिए यहाँ पर श्रद्धालु किस तरह देखिए फोटो सेल्फी खिंचवा रहे हैं। चलिए भाई वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। और आपको हमारा वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले। हरिद्वार से जुड़े सारे अपडेट्स और माँ गंगा जी के दर्शन हम आपको डेली कराते रहेंगे। ये देखिए यहाँ पर किस तरह श्रद्धालु जो है माँ गंगा जी में डुबकी लगा रहे हैं। माँ गंगा जी का जो बहाव है आज रात में उतना ज़्यादा तेज़ नहीं है, लेकिन आप हर की पौड़ी का अगर आप ये दृश्य देखेंगे तो देखिए हर की पैड़ी पर उतने ज़्यादा श्रद्धालुओं की भीड़ नहीं है। और ये वाला दृश्य देखिए आप, देखिए गंगा जी की लहरों से देखिए कितनी ठंडी ठंडी ओस है देखिए जो निकल रही है, एक भाप है देखिए। और हर की पैड़ी पर आज शाम में बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे सच में हरिद्वार में अब ठंड आ गई है। और इधर देखिए एकदम साफ दिखाई दे रहा है, देखिए किस तरह जो धुंध है देखिए किस तरह ऊपर आती है। और माँ गंगा जी के दर्शन कीजिए रात्रि में, देखिए हम आपको हरिद्वार के दर्शन करा रहे हैं। भाई एक लाइक तो और एक शेयर यार वीडियो को ज़रूर कर देना। और बहाव देख लीजिए आज उतना तेज़ बहाव माँ गंगा जी का नहीं है। और ये देखिए इधर कुछ श्रद्धालु घाट पर देखिए किस तरह डुबकी लगाते हुए। और इतना ही नहीं, अगर मैं आपसे हरिद्वार बाज़ार की भी बात करूं तो हरिद्वार बाज़ार में भी जो है अब सर्दियों के कपड़े बिकने लग गए हैं। शॉल जैकेट्स कंबल्स वगैरह जो है सब सर्दियों के कपड़े हरिद्वार बाज़ार में अब बिक रहे हैं। और माँ गंगा जी का बहाव और शोर। और ये देखिए यहाँ पर मैं आपको धुंध दिखा रहा हूँ, देखिए किस तरह ये धुंध हवा में जा रही है ऊपर की तरफ। और इधर से आप ये पूरा दृश्य देखिए माँ गंगा जी का बहाव। और ये देखिए ठंड हर की पैड़ी पर अगर आप सोएंगे तो देखिए अभी कुछ श्रद्धालु हर की पैड़ी पर सो भी रहे हैं, तो मैं अभी आपको वो भी दृश्य दिखाऊँगा। और इस समय अगर आप हर की पैड़ी पर रुकेंगे रात के समय तो आप लोगों को भाई एक चीज़ बता दूँ, बिना कंबल या रज़ाई लिए अब आप हर की पैड़ी पर नहीं सो पाएंगे, क्योंकि रात के समय बहुत ज़्यादा ठंड जो है हर की पैड़ी पर लग रही है। और श्रद्धालुओं की अगर बात करें तो आप देखेंगे उतने ज़्यादा श्रद्धालु घाट पर नहीं है। देखिए यहाँ पर कुछ श्रद्धालु देखिए किस तरह सो रहे हैं, लेकिन उतनी ज़्यादा जो भीड़ है श्रद्धालुओं की नहीं है। आप देख सकते हैं पूरे, देखिए ये जो संजय पुल है देखिए पूरा खाली पड़ा हुआ है, बस एक दो श्रद्धालु देखिए किस तरह रात के आपको ये पूरे दृश्य दिखा रहे हैं हम हर की पैड़ी पर। और माँ गंगा जी का बहाव। और ये देखिए इस तरफ हम देखिए दो तीन श्रद्धालु देखिए माँ गंगा जी में जो है डुबकी लगा रहे हैं। चलिए आपको आगे की तरफ लेके चलते हैं, हम आपको आगे का देखिए लास्ट वाला जो नया घाट है हम आपको नए घाट का दृश्य दिखा रहे हैं। तो देखेंगे आप यहाँ पर भी देखिए दो तीन श्रद्धालु हैं जो बैठे हुए हैं, लेकिन माँ गंगा जी में जो है डुबकी कोई नहीं लगा रहा। और ये देखिए यहाँ हम आपको इधर ऊपर से पूरे हर की पैड़ी का जो है पुल के ऊपर से दृश्य दिखाते हैं। तो इधर से देखिए आप, ये आपको पूरा हम दृश्य दिखा रहे हैं, देखिए उतने ज़्यादा श्रद्धालु नहीं हैं और श्रद्धालुओं की संख्या अब जो है कम हो रही है। और ये देखिए कुछ ही श्रद्धालु हैं जो माँ गंगा जी में डुबकी लगा रहे हैं। ये देखिए श्री माँ गंगा जी का मंदिर, और यहाँ पर देखिए कुछ श्रद्धालु सेल्फी और फोटो लेते हैं। ब्रह्मकुंड हर की पैड़ी देखिए, जो हम आपको बताते हैं जो सबसे साफ़ सुथरा घाट है जहाँ पर आप जूते चप्पल पहनकर नहीं जा सकते। श्री गंगा सभा द्वारा जो है इसका पूरा संचालन किया जाता है। और आप देखेंगे पूरी सीढ़ी यहाँ जो है खाली पड़ी हुई है, बस कुछ ही श्रद्धालु हैं जो माँ गंगा जी में डुबकी लगा रहे हैं। और ये देखिए ये भाई साहब किस तरह फ़ोटो और सेल्फी क्लिक कर रहे हैं। और जैसा अभी भी देखिए सावन महीना चल रहा है, और अगर आप दूसरे राज्यों से देखिए श्रद्धालु आना चाहते हैं तो देखिए बाज़ार मेन बाज़ार हरिद्वार आपको दिखा रहे हैं, तो आप देखेंगे उतनी ज़्यादा श्रद्धालुओं की भीड़ नहीं है। और जो भी दूसरे राज्यों से जो श्रद्धालु हरिद्वार सावन में माँ गंगा जी में डुबकी लगाना चाहते हैं वो आ सकते हैं, क्योंकि अब जो है ना दिन में उतनी भीड़ है और ना ही रात के समय जो है श्रद्धालुओं की उतनी ज़्यादा भीड़ है। होटल्स रूम्स वगैरह आपको 500-600 रुपये में बहुत सस्ते रूम्स आपको जो है बढ़िया अवेलेबल हैं, उतनी भीड़ भाड़ अब नहीं है। और अगर आप हर की पैड़ी घाट पर भी सोना चाहते हैं तो बड़े आराम से जो है आप हर की पैड़ी घाट पर भी रात के समय विश्राम
कर सकते हैं। बस ये है, अब आपको चद्दर या कंबल एक आपको अपने साथ रखना पड़ेगा क्योंकि रात के समय जो है अब ठंड लगती है। अस्थि प्रवाह घाट पर देखिए हम आपको लेकर आए हैं और यहाँ का दृश्य देखिए, कुछ श्रद्धालु देखिए यहाँ पर किस तरह देखिए सो रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं। तो देखिए अब मैंने आपको बताया था अभी भीड़ जो है अब नहीं है उतनी, तो अगर आप घाट पर भी विश्राम करना चाहें तो आप विश्राम कर सकते हैं। और इधर देखिए आपको इधर से दृश्य दिखाते हैं, देखिए नाई घाट है ये पूरा का पूरा, आप देखेंगे नाई घाट जो है देखिए पूरा खाली है। और आज देखिए माँ गंगा जी का जल स्तर भी कम है और आज उतना बहाव भी नहीं है। और हम आपसे बार बार जैसा कि कहते हैं, जब भी माँ गंगा जी में डुबकी लगाइए तो पूरी सावधानी बरतिए, ग्रिल के उस पार जाके डुबकी ना लगाएं। देखिए नाई घाट पे कुछ श्रद्धालु जो है देखिए बैठे हुए हैं लेकिन गंगा जी में डुबकी कोई नहीं लगा रहा है। और ये देखिए पूरा का पूरा भागीरथी सेतु पुल आपको दिखा रहे हैं लेकिन देखिए पूरे के पूरे जो घाट है वो खाली पड़े हुए हैं। देखिए उतनी ज़्यादा श्रद्धालु की भीड़ नहीं है। और पौड़ी पर भी आपको अगर सोना है तो देखिए कुछ श्रद्धालु वहाँ विश्राम कर रहे हैं, आप सो सकते हैं। बहाव देखिए माँ गंगा जी का इस तरफ। और बाज़ार की बात करें तो देखिए ये जो मेन बाज़ार जो लगता है आहर की पैड़ी के पास, देखिए ये सुभाष घाट के पास लगता है। तो देखिए ये पूरे दिन पूरे 2400 घंटे जो है ये बाज़ार खुले रहते हैं। रात के समय भी अगर आपको कुछ लेना हो तो आपको यहाँ पर प्रसाद और सामान जो है मिल जाएगा। देखिए सुभाष घाट की तरफ हम आगे बढ़ाए हैं और यहाँ पे देखिए कुछ श्रद्धालु हैं देखिए जो माँ गंगा जी में डुबकी लगा रहे हैं। और यहाँ से लेकिन आप दृश्य देखिए कितना सुंदर, रात के समय कितना प्यारा दृश्य है। देखिए इधर इस तरफ जो है देखिए श्रद्धालु ज़्यादा है, सुभाष घाट की तरफ श्रद्धालु ज़्यादा हैं। देखिए यहाँ पर श्रद्धालु जो है सबसे ज़्यादा दिन के समय में भी और रात के समय भी सबसे ज़्यादा श्रद्धालु यहीं रुकते हैं। देखिए किसी श्रद्धालु द्वारा देखिए जो है खाना बंटवाया जा रहा है, तो देखिए जो भी गरीब हैं वो देखिए वहाँ पर लाइन में लग के खाना खा रहे हैं। और अभी भी देखिए बाइक से हरियाणा दिल्ली वालों का आना लगा हुआ है, अब देखिए बाइकें ले लेके जो है सीधा घाट पर हर की पैड़ी पर पहुँच रहे हैं क्योंकि भीड़ है ही नहीं और जो भी सारे रास्ते हैं उनको जो है खोल दिया गया है। इसलिए जो अब बाइक लेकर दिल्ली हरियाणा वाले आ रहे हैं वो नॉन स्टॉप आ रहे हैं। कुछ कांवड़ियाँ भी जो है अभी पूरे सावन जैसे कि मैंने आपको बताया था कांवड़ियों का आना जाना लगा रहता है क्योंकि 26 के बाद कुछ कांवड़ियाँ आते हैं जो कि उन जब भीड़ भाड़ जो है बहुत ज़्यादा कम हो जाती है तब आते हैं। और ये देखिए यहाँ पर भी ये दृश्य देखिए आप श्रद्धालु हमारे सेल्फी फ़ोटो क्लिक करवाते हुए। और अभी भी देखिए रात के समय में भी आपको अगर कुछ भी लेना हो तो आपको सामान मिल जाएगा। देखिए आप चौमिन का आनंद भी जो है हर की पैड़ी पर ले सकते हैं, ये सब आइटम आपको रात के समय ही हर की पैड़ी पर मिलेंगे, मोमोज हुआ चौमिन हुआ। और देखिए होटल गंगा लहरी ये तो आपने ज़रूर देखा होगा, मुझे भाई कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये हम रात के समय आपके लिए जो है हरिद्वार हर की पैड़ी से ये वीडियो लेकर आए थे। वीडियो अच्छा लगे भाई लाइक करें, शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हरिद्वार से जुड़ा सारा अपडेट आपको मिलता रहे। हर हर गंगे नमामि गंगे।